दोस्तों, सिक्ख्या साडा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान सिक्ख्या दे व्यापार की आजादी नहीं दिंदा। सिक्ख्या दे व्यापार की आग्या नहीं दिंदा भारतीय संविधान, क्योंकि सिक्ख्या साडा फंडामेंटल राइट है। पर सरकार की अणगहली करके, सरकार की लापरवाही करके अज प्राइवेट स्कूल कंपनियां ने सिक्ख्या एक प्रोडक्ट बना के कमर्सलाइज करके बेचना स्टार्ट कर दिता, जो कि गलत है। विद्या के नाँ पर, सिक्ख्या के व्यापार के नाँ पर जो आम लोग ने उन्होंने अन्ने वाह लुट हो रही है। हुण तुसीं देख ही रहे होंगे प्राइवेट स्कूल वालों का हाल, कॉलेजों का हाल। लॉकडाउन करके स्कूल सारे बंद ने, ते स्कूल बच्चों के मापियां तो फीसां मंग रहे ने। ये कितों तक जायज है? जे कोई पढ़ाई नहीं तो फीस भी क्यों? ये कोई जायज मंग नहीं है, ये गलत हो रहा है। दोस्तों, असी विद्या के व्यापार के हक के विच नहीं है। असी चाहते हाँ कि भी जो स्कूल सिस्टम है, सरकारी स्कूल सिस्टम है, वो विच सुधार होवे। सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के विच सुधार होवे, बिल्डिंगों के हालात के विच सुधार होवे, ते विद्या का व्यापार बंद होवे, सिक्ख्या सारयां लई मुक्त होवे। ये तद ही हो सकता है जे सरकार सरकारी स्कूलों के विच ध्यान देवेगी। सरकार प्राइवेट स्कूल कंपनिया के नाल मिली भुगत करके सरकारी स्कूलों की अनदेखी कर रही है, जिस करके प्राइवेट अदारे प्राइवेट स्कूलों के विच वाधा हो रहा है। जो कि बहुत गलत है, सरकार वास्ते बहुत गलत है। सरकार सरकारी स्कूलों वल एक इस गलों भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकारी स्कूलों के विच किरती कामे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जे सरकारी स्कूलों के विच अफसर के बच्चे पढ़ते होण, तनाट लोगों के बच्चे पढ़ते होण, तो सरकारी स्कूलों के वल ध्यान क्यों ना दिता जाए? इस सिस्टम नूं जो विद्या का व्यापार हो रहा है, जो सरकार प्राइवेट स्कूल कंपनियां कॉलेजों वालों आम लोगों की विद्या के व्यापार के हेठ लुट की जा रही है, असी इस नूं रोकना चाहते हैं। वो किवें रोक सकती है? जे तुसीं साडा साथ दोगे तो इस नूं सदा वास्ते रोकिया जा सकता है। असी चाहते हाँ कि भी चपड़ासी तो लैके डीसी तक के सारे सरकारी मुलाजमान के बच्चे सरकारी स्कूलों के विच पढ़न संबंधी कानून बने। पंजाब दे विच सरकारी नौकरी उसे नूं दित्ती जावे जो सरकारी स्कूल के विच पढ़िया होवे। सारे मंत्रियां, एमएलएयां ते एमपीयां दे बच्चे जो सरकारी खजाने विचों तनखाहां पेंशनां लैंदे नेगे, उन्हां सब लोकां वास्ते एक कानून लाजमी होवे भी उन्हां दे सारयां दे बच्चे सरकारी स्कूलां दे विच पढ़ाए जाण। दोस्तों, मन लो जे एक उच्च अफसर डीसी वर्गे अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़नगे, एक एमएलए एक एमपी मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़नगे, तो ये लोग अपने बच्चों की सिक्ख्या के प्रबंध वास्ते, वधिया सिक्ख्या का प्रबंध देण वास्ते ये सरकारी स्कूलों के विशेष ध्यान देण लग जाणगे। तो इस दे नाल की होवेगा? सरकारी स्कूलों के जो अज के हालात ने गे उन्हां दे विच सुधार होवेगा,
तो विद्या दे विच पढ़ाई दे विच सुधार होगा। तो जो गरीब बच्चे उत्थे पढ़ते हैं गे उन्होंने अपने हालात भी बदलने उन्होंने इसका फायदा होगा। इस करके दोस्तों ये जो असी सिक्ख्या सुधार लहर चलाई हैगी ये सानू तुहाडे वडमुल्ले योगदान की बहुत ज़्यादा लोड़ है। असी इस मिशन नूं अगे वधाउण वास्ते जनता की कचहरी दे विच लै के आएंगे। जो ये विद्या का व्यापार हो रहा गा आम लोगों की लुट हो रही हैगी सरकार की अणगहली हो रही हैगी ये बहुत गलत हो रहा गा। असी चाहुंदे आ कि सरकार इस दे प्रति सुचेत होवे आप ईमानदारी दे नाल लोकां वास्ते सरकार बनी आ ते लोकां दे मसले हल करे। जो लोकां दी लुट हो रही है विद्या दे नाम ते वह बंद होवे। जे सरकार इस नूं सही ढंग दे नाल नहीं लै रही ता जल्दी असी खालड़ा तैयार किया होया। असी एक मंग पत्र डिप्टी कमिश्नर राही हाई कोर्ट के पंजाब के राजपाल नूं भेज रहे हैं गे। इहदे विच इह कंपलसरी किया जाएगा भी जिहड़ा बंदा जिहड़ा मुलाजम जां एमपी एमएलए मंत्री सरकारी पंजाब के सरकारी खजाने विचों तनखाह लैंदा है ते उहदे बच्चे सरकारी स्कूलों के पढ़न संबंधी कानून लागू होवे। जे दोस्तों ये लागू हो गया तो विद्या दे जो अपने साड़ी चलाई हुई लहर सिक्ख्या सुधार लहर वो कामयाब हो जाएगी ते इस दे नाल पूरे देश दे लोकां नू फायदा होवेगा। ये होना लाजमी है। साड़ी जंग जारी है क्योंकि लोग संघर्षां दे वास्ते असी लड़ रहे हैं गे लोग हितों वास्ते लड़ रहे हैं गे। ये साडा कोई निजी हित नहीं है ये जनतक हित है। इस दे नाल लोकां दा फायदा होना है जिस दे विच लोग भलाई होवे आम लोगों का भला जुड़िया होवे असी वो मुद्दे चुकते रहांगे ते उसनू कामयाब करते रहांगे। तो इस दे विच सानू तुहाडे जो वडमुल्ले सहयोग की कीमती सुझावां की बहुत लोड़ है। साथ की लोड़ है तन मन धन नाल साडा साथ दो क्योंकि विद्या इंसान की नींव है। जे साडे आम लोगों के बच्चों नू चंगी शिक्षा मिलेगी तो उस चंगे इंसान बनणगे चंगीआं नौकरियां ते जाणगे चंगे समाज की सिरजणा करनगे। इस सिक्ख्या ते सारा कुछ निर्भर है। जिन्ना इंसान पढ़िया लिखा होवेगा उन्ना वधिया देश निर्माण करेगा समाज का सुधार करेगा अपने बारे सोचेगा समाज बारे सोचेगा जो समाज के गलत हो रहा है वो बारे सोचेगा। इस करके दोस्तों जो असी सिक्ख्या सुधार लहर चलाई हैगी इसनों कामयाब करने वास्ते सानू तुहाडे सब का साथ की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान के विच साडे वास्ते फंडामेंटल राइट लिखा होया है। जिवें आर्टिकल 21 दे विच मुफ्त सिक्ख्या का अपने 6 तो लैके 14 साल के बच्चों तक अपने मुफ्त सिक्ख्या का प्रावधान किया होया है। इस तरह तकरीबन विद्या का व्यापार गैर कानूनी है। विद्या का व्यापार गैर कानूनी है। जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल कंपनियां सीटा कढ़दियां ने गियां मान लो एक डॉक्टर की सीट हो गई MBBS डॉक्टर की हो गई वो तनाट लोगों तो पैसे लैके वो सीटा लखा रुपया लैके सीटा पूरियां कर देंदे ने। इहदे विच हक किहदा मारिया जा रहा है? एक आम इंसान का हक मारिया जा रहा है।
जो एलिजिबल इंसान है उसका हक मारा जा रहा है। 63 वर्ग पैसे दे जोर दे नाल वो सीट खरीद लैंदा है, तो जड़ा गरीब किरती आम वर्ग मीडियम वर्ग उहदे बच्चे उस सीट तो वांझे रह जाते हैं। जे विद्या दे व्यापार रोकिया ना गया तो जड़ी उच्च सिक्ख्या गरीब वर्ग वास्ते किरती लोकां वास्ते आम लोकां वास्ते ते मीडियम वर्ग वास्ते एक सुपना बन के रह जावे जो असी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह एक नाइंसाफी है। बहुत बड़ा धक्का हो रहा आम लोकां नाल, जो कि आम लोकां तो एक मौलिक अधिकार खोया जा रहा है विद्या दे व्यापार करके। सरकारां इस वल सोच नहीं रही हैं, क्योंकि सरकार बहुतियां सरकारां दे जड़े पूजनीक मंत्री साहबान जा MLA साहबान जा MP साहबान लीडर साहबाना दे सरकार प्राइवेट स्कूलों के शेयर वगैरह होंगे नेगे, वोटों वेले इन्हों बड़े बड़े फंड मिलते हैं। हुण तुसी आप ही देख लो, हुण प्राइवेट स्कूलों के फीसां दा रौला हाई कोर्ट दे विच चला गया, तो पंजाब सरकार ने उत्थे सही ढंग दे नाल पक्ष नहीं रखिया, जिस करके बेचारे जो मापे ने पेरेंट्स एसोसीएशन ने जो लड़ रही सी अपने बच्चों के फीस माफ़ी वास्ते उन्होंने विरुद्ध फैसला आ गया भी सरकार ने सही ढंग नाल पक्ष नहीं रखिया। हाई कोर्ट ने फैसला देता भी प्राइवेट स्कूल फीसा लैण के हकदार ने। साथियों, जे पढ़ाई नहीं तो फीस कहती, प्राइवेट स्कूल एक पेपर डिजाइन करके व्हाट्सएप राही बच्चों भेज देंगे ने गे, वो बच्चों आउंदा नहीं, बच्चे पेरेंट्स नूं पुछदे ने गे जिन्हां दे पेरेंट्स कन पढ़ने गे वो कैमें कराउणगे, पढ़ाई ते मत्था बच्चे नूं मारना पै रहा है, बच्चे दे माँ बाप नूं मारना पै रहा है, ते स्कूल फीसां प्राइवेट स्कूल मंग रहे ने गे। जदों पढ़ाई उह नहीं करवा रहे ते फीस कादी। नैट बच्चों का, मोबाइल बच्चों का, बिजली बच्चों की, फिर प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों मंग रहे हैं? ये गुंडागर्दी क्यों, धक्का क्यों? दोस्तों, इस करके कह रहे हैं गे भी असी चाहते हैं गे जेड़े प्राइवेट कॉलेज जिन्हों का मकड़ जाल पूरे देश दे विच फैलिया होया है वो बंद होण, विद्या का व्यापार बंद होवे, सरकारी स्कूलों के सुधार होवे, बिल्डिंगा का सुधार होवे, पढ़ाई का सुधार होवे, ते वध तो वध बच्चे उन्हां दे विच दाखला लैण, ते लोकां दी लुट बंद होवे, सब लई मुफ्त विद्या का प्रबंध होवे। सरकारी स्कूलों के बच्चे तद ही दाखल होणगे जे सरकार सरकारी स्कूलों का उन्हां वल ध्यान देवेगी, पढ़ाई वल ध्यान देवेगी। टीचरां दीआं ड्यूटियां स्कूलों विच बच्चे पढ़ाउण दी बजाए किते होर ना लावे, हरेक टीचर दी एक ड्यूटी निश्चित की जाए, हर महीने बच्चे का एक एलिजिबल टेस्ट लिता जाए हरेक सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट नूं जो भी टीचर पढ़ाउंदा है उहदा टेस्ट लिता जाए, हर महीने टेस्ट लिता जाए, जिस सब्जेक्ट दे विचों बच्चा कमज़ोर होवे उस सब्जेक्ट दे टीचर नूं जवाब दे घोषित किया जाए, उहदी तनखाह दे विचों कट किया जाए जां उहदी तनखाह रोकी जाए। जे इस तरह के सख्त कानून सरकार बनावेगी, जिस तरह झारखंड की सरकार ने फैसला लिया
भी जो लोग सरकारी स्कूलों के पढ़नगे उन्होंने ही नौकरी मिलेगी उपराला है। पता नहीं साड़ी सरकार नू कदों अकल आवे। साड़ी सरकार लोगों के जगाए तो भी नहीं जाग रही। पंजाब एक वधिया सूबा सी, साडे नालों जिहड़े बाद दे विच सूबे बने ने गे पसड़े हुए लोग ने गे, झारखंड जंगली इलाका है, उन्होंने अकल आ गई। वो लोग तकरीबन सब तो उच्ची सोच रख रहे ने गे, एडा बड़ा मुद्दा चक लिया उन्होंने, जो कहते भी जो सरकारी स्कूल दे विच पढ़ेगा उसनों ही सरकारी नौकरी मिलेगी। यह बहुत वधिया उपराला है। इस दे नाल सरकारी स्कूलों के सुधार आएगा, सरकारी स्कूलों के एडमिशन बढ़नगियां, सरकार ध्यान देवे केंद्रित करेगी तो लोगों का फायदा होगा। दोस्तो जे तुसी साडे नाल सहमत हो, जे तुसी चाहुंदे हो भी विद्या का व्यापार बंद किया जाए तो हर एक इंसान वास्ते, देश के हर एक नागरिक वास्ते मुफ्त सिक्ख्या का प्रबंध होवे, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, सारा वास्ते समानता लिया जाए तो साडा साथ देवे।